जय जगन्नाथ। सिद्धार्थ भक्तिर यह गीता रहस्य कार्यक्रम को मुझे समस्त को स्वागत जनाऊँ। सुधीवृंद, गीता रहस्यर पूर्व अध्याय आम मैंने विचार करूले जे किपर भाव शरीर को कौनसी प्रकार अस्त्र छेदन करिपारे नाहीं, ये शरीर को कौनसी समय अग्नि जलाई पारे नाहीं, शरीर को वायु सुखाई पारे नाहीं एवं जल मध्य भिजाई पारे नाहीं। ए परिप्रेक्षी रे आमे माने निजर व्यवहारिक जीवन रे किपर भाव रे ए तत्व को धारण करिबा, किपर भाव रे आमर आचरण हबो से विषय रे विचार करू करू आमे माने प्रथम स्तर रे देखिले मनुष्य को जीवन रे कौन छेदन करे, मनुष्यर अहंकार मनुष्य को छेदन करे। द्वितीयतः चिंता विषय रे आमे माने प्रसंग करूथिले जे मनुष्यर चिंता मनुष्य को जलाए, जमती अग्नि शरीर को जलाए एक अग्नि तत्व कथा विचार करा, मनुष्य जीवन रे चिंता मनुष्य को जलाए, ये चिंतारु किपर भाव मुक्त होगा से विषय में चर्चा करूले आम मैंने प्रसंग करूले। प्रथमतः आम मैने जीवन जो बास्तवता अच्छी स्वीकार करवा, द्वितीयतः आम मैने जीवन जितेबले वर्तमान समय को लेकिन बचवा आरंभ करवा जे टुडे नाओ यही अवस्था रे आमे माने आम मानकर विचार जितेबले रहिबो सबबले आकर आम मानकर चिंतन आ कर्म हबो सेतेबले आमे माने चिंता मुक्त रहिबा पई एटी गोटिए बड़ उपाय बोली चिंता करथिले। तृतीयतः आमे माने सबबले निजर जो समय अछि सबबले पई से समय सदुपयोग जदि करिवा जीवन रे ताहले ताहा मध्य आमको जीवन रे चिंता मुक्त रखिवा पई समर्थ हेबो। सबुठ शेष रे आमे माने प्रसंग करूथिले जे जदि आमे माने संपूर्ण रूपे चिंता मुक्त रहिबा को चाहुचे ए चिंता जेमते आमको बहुत बेसी प्रभावित करि पारिबो नाही, ताहले जीवन रे बहुत गुडी जो घटना अछि जेतेबेले कोनोसी प्रकार कर्म आमे करूचे आम मैंने चिंता करूचे एटी ए प्रकार हवा दरकार किंतु से प्रकार नहीं मध्य पारे, तो से जो घटना गुड़िक निजर सबुठ जो खराब घटना घटी पारे मनुष्य गोटे छोट देखत के भावना रखिकी जाते लॉटरी रो टिकेट सब काटू सी चिंता करूँ गोटे हूँ तार दृष्टिकोण कौन मोर लॉटरी उठिजी जदि से प्रकार आग्रह स्वीकार करनी पूर्वर ताल तार दुखी हवार संभावना बहुत अधिका हो, किंतु से प्रकार कर्म से करुच्ची किंतु जदि स्वीकार करनी जे ना मोर न उठवार संभावना ही बेसी धर न उठिला जने संत कहते शरीर को लेकर से प्रकार चिंता करवा मनुष कौन करे जेतेबले साधन अग्रसर होवाई प्रयास करे प्रथम रु चिंता करे मुझे ये प्रकार साधना करने जी ताहले मु को प्रकार निजर शरीर धारण करी। भगवान स्पष्ट भाव रे परे आमे माने विचार करवा जेतेबले जानिपर भगवान कहते जे योगक्षम को मु बहन करी तुम्हें माने जदि मो प्रति से प्रकार आस्था रखिब जदि तुम्हें माने शरणागत हब तथापि आम मैंने चिंता करवा जे आम मैंने शरीर निर्वाह पर आ सबकि व्यतीव्यस्त हो चिंता करूचे जदि सबु प्रकार सफल आम गले ताहले भी कौन हम ताहले निश्चित भाव रे शरीर तो निश्चित भाव रे दिने ना दिने नष्ट से प्रकार सबु प्रकार व्यवस्था करी शरीर दिने नष्ट ताहले कहीं से परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होवापाई से स्वरूप को आमे माने आत्मसाक्षात्कार करवाई कहीं प्रयास करवा ना जीवन में से हूँ सबुठ आम जीवन श्रेष्ठ कर्म। यही तो व्यवहारिक जीवन चिंता दूर हवापाई आम मैंने प्रसंग करूले किंतु मनुष्य जितेबले निजर वास्तविक स्वरूप को जाणीज तार आउ कौन चिंतार संभावना ही रहा तारे आम मैंने विचार करूले जे न क्ले दयंती आपो जल यह भिजाई पारे ना मनुष्य को कौन भिजे दिए मनुष्य को जीवन रे सुख भिजे दिए पूर्ववर्ती क्षेत्र में आम मैने सुख संपर्कित तो किपर भाव सुखरे मोहित होकर कर्तव्य कर्म रु पश्चात्पद हो जाए निजर वास्तव स्वरूप विषय चिंतन करने से समय दिए ना
से विषय आम मैंने विशेष भाव चिंतन करे मनीष को आउ गोटे कथा होटी कौन जे कौन से शरीर को सुखे पारे ना शरीर को तो सुखे पारे ना वायु किंतु आम को व्यवहारिक जीवन में कौन सुखे दिए आम को व्यवहार जीवन में दुख सुखे दिए ये गोटे गोटे पर्यायक्रमे कहते गोटे तत्व को गोटे गोटे सूक्ष्म तत्व को गोटे गोटे पर्यायर आलोचना करें व्यवहारिक जिनस गुड़िक भी देखिले आम जीवन में आम आचरण किपर भाव यही सबू चारोटी जिनस आम मैंने केमती मुक्त रही पार आम अहंकार केमती मुक्त हवा तापी प्रयास करवा आम केमती चिंतामुक्त रहा जीवन में कारण एगुड़िकर प्रभाव आम मान चिंतन पड़ो आम केमती सुखर सदुपयोग करवा आम मैंने दुखर मध्य सदुपयोग करवा जीवन में निजक अग्रसर करने जेतबेले मनीष ये चारोटी जाक जिनस ठीक भाव जीवन में व्यवहार करे ताकु निजर वास्तव स्वरूप निकटवर्ती हवापाई कहीं रोक पारे ना ये तत्वतः जदि चिंता करेंगे पुनश्च आप देखते गोटे गोटे तत्व गोटे गोटे ठू सूक्ष्म जमी आकाशात वायु वायु उत्पन्न होती कितु जोबले विचार कर प्रथम शस्त्र कथा प्रथम पृथ्वी तत्व कथा विचार कर पृथ्वी तत्व में निर्मित कौन सी जिनस आम देखु ताको गोटे अखार पुरेकर जापरू सूक्ष्म कौन ताठू सूक्ष्म हूँ जल आम कौन जलटी को अखार पुरेकर जापरना सेठी तार प्रवेश ना कारण ताठू सूक्ष्म सी अच्छा जल को गोटे पात्र जापर गोटे पात्र धर जल रखीचे जदि रखीचे से कौन हम से तल को जीवना से पात्र धारण कर सी तार बाहर ताको प्रभावित करना किंतु जदि अग्नि ताठू सूक्ष्म तत्व अग्नि को जदि दबा गोटे स्टील रो पात्र रे रखीचे बा कौन सी प्रकार धातु रो पात्र रे रखीचे जल को जेतबले ता तलु अग्नि प्रज्वलित करवा कौन हबो से अग्नि ताको प्रभावित करिवो से गरम हवा को लागिवो अग्नि तत्व टु भी सूक्ष्म तत्व कौन एठी विचार करंतु जे वायु तत्व अग्नि को आम देखि पारुचे किंतु वायु को आम देखि पारुना हे ये चारित्री तत्व सूक्ष्मतार दृष्टिकोण में गोटे गोटे करें विचार कले छेदन करना यहाँ सुखाई पारना यहाँ भिजाई पारना वर्तमान से ही कथा को भगवान आउ टे विस्तार पूर्वक कहते आम भगवद गीतार सांख्य जगर 24वां श्लोक वर्तमान प्रवेश करवा भगवान कहते अर्जुन को अछे दोयम मदाहोयम अक्लेदोशेष एवच नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयं सनातन प्रथमे कहते जे अछदोयम यहाँ छेदन करा जाई पारिबो नाही कहते शस्त्र द्वारा यहाँ छेदन करा जाई पारिबो नाही पुनश्च आमे जदि देखिवा एठी कौन होची पुनरुक्ति होची सही कथा को कहते किंतु एठी टिके भिन्नता अच्छी कौन टिके भिन्नता अच्छी आम मैंने पूर्ववर्ती क्षेत्र में देखले कहते जे शस्त्र द्वारा यहाँ छेदन करा जाई पारिबो नाही एठी किंतु कौन कहते ये हूँ अछेद्य यहाँ छेदन ही करा जाई पारिबो नाही बहुत क्षेत्र में देखा जाए शस्त्र द्वारा धर कौन जिनस को आम छेदन करे ना बृहदारण्य को उपनिषद देखा जोबले शल्यंकर उत्तर प्रश्नर उत्तर दे पारना तेणुक साकल्यंकर मुंड कटि जा कहार अर्थ हूँ केवल शस्त्र द्वारा जे यार छेदन करा जाई पारिबो नाही से कथा नुह ये हूँ अछेद्य कौन सी प्रकार मंत्र द्वारा तंत्र द्वारा जंत्र द्वारा साप द्वारा कौन सी प्रकार अवस्था रे मध्य सही देहीर कहीं छेदन करिपारिबे नाही द्वितीय तो कहते अदा होयम पुणी कौन कहते देखते कहले जे कौनसी प्रकार अवस्था रे यहाँ जला जाई पारिबो नाही यहाँ जे केवल अग्नि जले पारिबो नाही नुह कौनसी प्रकार अवस्था रे यहाँ जला जाई पारिबो नाही आमे देखिचे दमयंती घटना जदि चिंता करिवे व्याध केमती जले दैचंती साप द्वारा किंतु एठी कहउचंती ना ना से कथा नुह केवल अग्नि जे यहाँ जला पारिबो नाही से कथा नुह कौनसी परिस्थिति रे मध्य कौनसी साप ताप जंत्र मंत्र कौनसी प्रकार अवस्था रे ताहाकु जलाई दिया जाई पारिबो नाही एटी पुनश्च कहउचंती से कथा एकु सुखाई दिया जाई पारिबो नाही
अक्लेद्य यह अक्लेद्य आद्र कर कौन पाई कहते आम जल द्वारा साधारण तो कौन सी जिनस भिजि जाए ये कहते ना ना जल द्वारा तो छाड़ू कौन सी प्रकार अवस्था मध्य भिजा जा पार ना आम मैंने शुणे पुराणा समय रे बहुत गुड़ी एमती राग रागिणी अच्छी जहाद्वारा सब वृष्टि हुए सबकि ये समस्ते द्रवीभूत हो जाती ताद्वारा आम मैंने कथा प्रसंग में कहता है जे एमती सी कहले समस्ते द्रवीभूत हो गले कहते ये तत्व अच्छी ये शरीर अच्छी यहाँ को कौन सी अवस्था द्रवीभूत करना भिजाई दि जापरना अर्थात ये हूँ अक्लेद्य तापर कहते हूँ अशोष्य को वायु तो छाड़ू अन्य कौन सी व्यवस्था मध्य सुखे दि जापरना कौन सी प्रकार आम देखुचे अगस्त मुनि कौन कर समुद्र को शोषण कर शोषि किंतु कहते ना ना यू जेकोसी अवस्था जेकोसी व्यक्ति जेकोसी परिस्थिति शोषण करना सुखे दि जापरना पूर्वर जो कथा अच्छी पूर्ववर्ती श्लोक अच्छी गोटे दृष्टि देखने यार पुनरावृत्ति हो संपूर्ण पुनरावृत्ति होतु आउटे विचार कले जापर तहार पूर्ण स्थापत्य प्रकाश पाँच माने कौन ताको स्थापना करुछन्ति से कथा को केवल अग्नि द्वारा नुह जला जाई परिबो नाही से कथा नुह एहाको जलाई जाए कौनसी परिस्थिति रे जलाई परिबे नाही आ गोटे दृष्टिकोण होची आमे जेतेबेले पुनरावृत्तिर कथा चिंता करिवा जेतेबेले गोटे गभीर तत्व कथा महापुरुष माने कहंती एटी तो साक्षात भगवान कहउछन्ती अर्जुन को बारंबार विभिन्न प्रकार अवस्था रे ताको कहिवा पई चेष्टा करंती विभिन्न प्रकार उदाहरण देखरे काहीं कौनसी ना कौनसी प्रकार रे जेतबले बुद्धि ताहा को ग्रहण करिवो ताहार महत्व जेतबले बुद्धि रे प्रतिष्ठित हम ताहा आम पाई कल्याणकर हम शंकराचार्य कहउछन्ती जे एई परम तत्व को प्रकाश करिवा पाई कौनसी समय रे आलस्य आलस्य आम मानक भितर आसवा अनुचित मुझर्त जीवन धारण कर सबुबेपाई मुझी जितेबले जार आवश्यकता पड़ो ये मत पचार मुझक कह साधारण जीवन में कौन होता है जदि जन शिक्षक को भी आम थे पचारे द्वितीय थर पचारे तृतीय थर पचारा बेलू सी विरक्त होगा आरंभ करेंगे कह कौन एत थर पचार मुझे पूरा कहली किंतु ना ये परम तत्व कथा जितेबले आसूची से जो मैंने जाणी से मैंने कहवापी के आलस्य प्रकट प्रकट करते ना भितर आलस्य आसे ना कारण सब बेले सी जानी आउ कौन सी उपाय ना नन्य पंथा विद्यते अयमान केवल ज्ञान द्वारा ही मुक्ति संभव यही तत्व को केवल जितेबले ज्ञान प्रकाश हम ताको जड़े जापर ता पूर्वर कौन सी प्रकार अवस्था ही जना जा पार ना सनत कुमार आतराष्ट्र प्रसंग हो सनत कुमार प्रश्न करुंजे कही कहते मृत्यु क्या कहते ना जितेबले आउ शरीर में स्पंदन होबना हृदय जितेबले स्पंदन होबना से आम जाणी जे सी हूँ मृत्यु कहीं कहते ना जितेबले आउ कौन से प्रकार क्रियार आवश्यकता रहा से सी हूँ मृत्यु आपण कौन कहते मत कहतु मृत्यु आम क्या कह सनत कुमार अत्यंत सुंदर भाव कहते प्रमादौ बे मृत्युम्यहं ब्रवीमी जदि मत पचरा जाए जदि आम को पचरा जाए ताहले प्रमाद ही मृत्यु ये प्रमाद क्या कहते प्रमाद कहते आम मैंने जितेबले आमर चैतन्य स्वरूप को निजक दूर रखिद से प्रमाद जितेबले आम निज स्वरूप को भूली जाऊ ताठ दूर रहू निजर वास्तव स्वरूप चिंतन रु दूर रहू से प्रमाद यही प्रकार जितेबले कहते से भगवान कहते जो आम कथा विचार करुले जे ये आत्मा हूँ अछेद्य अक्लेद्य अदाह्य अशोष्य कहते चारोटी जाक प्रभावित करिपारे नाही ताहले केमिति से एटी कहते सी हूँ नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयं सनातन।
विषयर सूक्ष्मता कारण भगवान बारंबार से कथा कहते आम मैंने जो विचार करवा से आम मैंने जो भगवद गीता को अध्ययन करवा चिंतन करवा से आम मैंने देखा गोटे गोटे कथा को भगवान बारंबार विभिन्न प्रकार कहवाक चेष्टा कर विषय सूक्ष्मता एत बारंबार बारंबार जितेबले आम श्रवण करवा चिंतन करवा मनन करवा से तार कि प्रभाव आम मानी पड़ आम बेसीभाग समय विषय एत लिप्त होकर अच्छे शरीर सहित एत जोड़ी होकर अच्छे आम मैंने कौन होम मान अवस्था आम मैने जो प्रमाद रूपक जो मृत्यु ताकू आम मैने बरण करुचे आम निजर चैतन्य स्वरूप सब बेले दूर रोचे ये भगवान कहते जे कौ भाई से आत्मतत्व से आत्मा तार स्वरूप कौन से कौ भाया ना सी हूँ नित्य नित्य कथा आम मैंने विचार करें जहाँ सबूत सबु अवस्था तीन काल तार कौन सी बाधित हुए ना सबुले जी विद्यमान आउ कौन सर्वगत केवल सबुबले जे विद्यमान से कथा नुह से सबुआड़े परिपूर्ण होकर अच्छी सर्वगत ये आउ गोटे कहते सी कौन ना अचल देखु जे अचल अर्थात जी गोटे जगार आउ गोटे जगह को जाए मान चलमान ये किंतु अचल अच्छा सर्वत्र जी परिपूर्ण होकर अच्छी सबुबेल सबु अवस्थापी जी परिपूर्ण होकर अच्छी अच्छा गोटे जगह खाली हेले आम जाठिक पहुँचवा जोबले सर्वत्र परिपूर्ण होकर अच्छी तेणुक सी अचल कौन सी जीवा जगह को जीवापाई तार आवश्यकता ना कारण कौठ जीव आठिक जीव ये जिनस को जोबले आम मैने अनुभव करवा सेत जापर जे ये कौन ये हूँ अचल अच्छा अचल जे से कथा नुह आम देखा जे गच हूँ अचल कितु गच कौन गोटे जगार रहीक हलुची गच जो पवन है ना कौन है से तो हल्वा आरंभ करे कौन ना ना ये हूँ स्थाणु तो यही चारोटी जिनस कहते कौन स्थाणु आम मैने बुझिपना कहीं आमर दृष्टि अभाव रुहे जड़े वृद्ध लोक थे चशमा न पिंधिले कि देखा जाए ना गोटे दिन सी देखुं चशमा खोजुंच चारिड़े चशमा मिलूनी कौन सी जिनस देखा पा ना व्यतीव्यस्त होकर सब घर मानक चशमा खोजुं तारपे अने जो मैंने थे से मैंने चशमा खोजार लग पड़े घर सबु लोग मिसिक चशमा खोजुं बहुत समय खोजला चशमा मिलूनी से बड़े बाहर छोट पाटे स्कूल फेरी स्कूल रू फेरिकी सी कहि कौन समस्ते खोजुं ना चशमा खोजुं जेजे बापा चशमा मिलूनी सी से कह आपणकर मुंड चशमाटी लगी मुंड चशमाटी लगी किंतु जेहेतु ता जो स्थान रहा कथा से जो दृष्टि प्राप्त होना तेणुक देखिपार ना जोबले आम को से प्रकार दृष्टि प्राप्त हम से यही सर्वत्र विराजमान करुवा परमात्मा से तत्व सर्वत्र विराजमान करूर्ण भाव स्थिर भाव परिपूर्ण भाव किंतु आमे माने ताकु अनुभव करना कहार अर्थ हो आम कौन अनुभव ताकु प्रयास करुचे कि गोटे जिनस हूँ गोटे जिनस को जानवापी छोट छोट जिनस विषय आम मैंने ज्ञान आहरण करने जीवन रते शक्ति सामर्थ्य को संपूर्ण समय को तापाई व्यय करदे गोटे गोटे छोट जिनस विषय जितेबाला आम गवेषणा करुचे ता विषय भी गवेषणा करु करु आम जीवन प्राय समय व्यतीत हो जाते परम तत्व को आम मैने जाणी सर्वत्र विराजमान करम तत्व जीवन श्रेष्ठतम लक्ष्य जीवन लक्ष्य कौन मनुष्य जन्मर उद्देश्य कौन ईश्वर दर्शन से परमात्मा को प्राप्ति से निजक जाणी ही ता जीवन एकमात्र उद्देश्य हवा दरकार किंतु ताकू छाड़ी कौन करमें मैंने सबुआड़े बुलुचे खोजुचे जड़े कहते जे मो को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे द्वारे मत तू अन्यत्र कोटी कोटी सब खोजुचु मु तो पाखे अच्छी सबुबेल तोरी पाखे अच्छी परिपूर्ण भाव अच्छी जे अल्पकिरी अच्छी से कथा नुह
परिपूर्ण भाव रे तोरी पाखरे सब बेले विराजमान करछि। कथा होछि जे आम मानंकु एही जिंस को ग्रहण करबाकु पड़िबो। जेमती गोटे फुटबॉल रे बाहर एवं भीतर उभयथरे वायु भरी हेकरि अछि, तार जो आवरण तार भीतर बाहर भिन्नता कले हबो नाही, ता भीतरे एवं बाहरे उभयरे से गोटी तत्वरे परिपूर्ण हेकरि अछि। सेई भली भगवान परम ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र से आत्मतत्व रूप रे से ब्रह्म तत्व रूप रे पूरी हेकरि अछन्ति, तांकर कोनोसी जागरे अभाव नाही। जीवन रे आमको ए जिनस को अनुभव करबाकु पड़िबो। एटि भगवान तेणु बारंबार विभिन्न प्रकार उपाय रे अर्जुन को सही कथा व्यक्त करुछन्ति, देही आउ देहर जो संबंध ता विषय रे व्यक्त करुछन्ति। आज समय हेछि आमे प्रसंग को एठी रखिबा, पुणी देखा हबो गीता रहस्यर आगामी अध्याय। विदाय नेउछि जगतर नाथ जगन्नाथंकर चरण कमल तले आपण समस्तंकर सर्वविध कल्याण पै प्रार्थना करुछि। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।